दोस्तों, उर्दू किताब मेले के ताल्लुक से कोई बातें या कुछ व्हाट्सएप के मैसेज मुझे मिले जिसे देख करके इंतहाई अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए कि उर्दू को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए और उर्दू से पढ़े हुए बच्चे, उर्दू के कामयाब बच्चे जो रोज़गार में जुड़े हैं उनको आगे आना चाहिए। बजाय इसके लोग क्या कर रहे हैं, उर्दू को मज़हब से जोड़ रहे हैं। कोई कहता है मुसलमानों की ज़बान है, कोई कहता है मुसलमान आगे आए, कोई कह रहा है मुसलमान साथ दें। अरे भाई, उर्दू को आपने क्यों मुफ्त में मज़हब का नाम दे करके एक सेक्शन को नाराज़ करने की कोशिश की गई है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू किसी से दबने वाली ज़बान नहीं है जो कि दबाया जाता है। उर्दू अपने पैरों पर खड़ी एक ज़बान है। उर्दू जानने वाले इंग्लिश दा तबका हो या मराठी तबका हो या और ज़बान के लोग हों, काफ़ी लोग उर्दू जानने वाले हैं। आपको नहीं अगर अंदाज़ा होगा तो आप देखिए गज़ल सिंगिंग के जो कंसर्ट होते हैं, गज़ल किस में होती है, उर्दू में होती है। जगजीत सिंह ले लो, पंकज उदास, और भी कई नाम मैं गिना सकता हूँ, उनकी गज़लें सुनने के लिए क्या सब मुसलमान जाते हैं? आपका ये बोलना या किसी भी शख्स का ये बोलना कि मुसलमानों ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अरे भाई सारे हिंदुस्तान के लोगों ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड है ये उर्दू किताब मेला। इसको आप ये बोलेंगे कि भाई नहीं इसमें सब मुसलमानों ने हिस्सा लेना, मुझे ये बात जमी नहीं है। मैंने अपना एहतजाज दर्ज कराने के तौर पर लोगों से बातें भी की है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जो उर्दू के सही भाई ख्वाह हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों तक भी मेरी बात पहुंच सकती है, जो लोग भी मुझको सुन सकते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे समझ सकते हैं कि मैंने किस हालात में किस मौके पे कब कब उर्दू का साथ देने का जो काम है किया है, उर्दू के साथ रहे हैं हम, उनसे मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल ये उर्दू किताब मेले को कामयाब करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अमूमन तौर पे देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन या बड़ा प्रोग्राम भिवंडी शहर में होता है तो काफ़ी पब्लिसिटी होती है। इसके ताल्लुक से बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं भिवंडी शहर के अंदर, कॉर्नर मीटिंग्स ली जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, पंफलेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये सारी कोशिशें अपनी जगह पर सही हैं, मगर हम वो लोग जो आज पावरलूम की मार झेल रहे हैं, जो आज धंधे का ख़राब होना कह रहे हैं, जो आज कई बहाने करके अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि भाई उर्दू आपकी मादरी ज़बान अगर है तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हो, ये कंडीशन ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हो। और उर्दू के ताल्लुक से जितना भी काम गवर्नमेंट ने करना है, हम बार बार इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि नहीं किया गया, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत हुई है उसको बढ़ावा देना, उसको कामयाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस कोशिश में 50% भी कामयाबी अगर आप लोगों को मिलती है, हम लोग अगर इस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से करने की तरफ ले जाते हैं, कामयाब कर देते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीम आने वाले सालों में भिवंडी शहर एक उर्दू का जो घर माना जाता है वो अपनी लीडरशिप को बरकरार रख सकेगा। मेरे ख्याल से उर्दू के ताल्लुक से जितनी बातें हों कम हैं, लेकिन ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं चाहता हूं कि और भी लोग जिनको ये जिन्होंने व्हाट्सएप देखा है, अगर उनको मालूमात मिली है कि क्या उसमें कहा गया है, तो उस बात के लिए आगे आएँ। शुक्रिया।